धन नहीं टिकता, आर्थिक परेशानी हो रही है तो आज से शुरू कर देंगे पांच काम। नंबर एक, घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जलाना शुरू कर दें। नियमित रूप से अपने घर में चंदन की धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन की महक से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में हमेशा धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास रहता है और इससे घर में धन टिकने लगेगा। नंबर दो, झाड़ू को छुपा कर रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में घर की झाड़ू को हमेशा छुपा कर रखें। झाड़ू को धन या पूजा स्थल के पास रखना चाहिए, इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और धन रुकने लगता है। नंबर तीन, उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रखना शुरू कर दो। यदि काफ़ी कोशिशों के बाद भी आर्थिक परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रखें, लेकिन समय समय पर नमक बदलते रहें, इससे धन की प्राप्ति होने लगती है। नंबर चार, ईशान कोण को हमेशा साफ रखना शुरू कर दो। शास्त्रों के अनुसार घर का ईशान कोण बहुत ही पवित्र स्थान होता है, इसलिए यहाँ पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में भूल कर भी ईशान कोण को गंदा ना रखें। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है और माँ लक्ष्मी का वास होने लगता है। नंबर पाँच, आटे के डिब्बे में तुलसी और केसर के पत्ते रखना शुरू कर दो। जिस डिब्बे में आटे को रखते हैं उसमें पांच तुलसी के पत्ते और दो केसर के धागे रख दें। याद रखें कि शनिवार के दिन ही आटे को पिसवाएं और उसमें चना जरूर मिलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्या दूर होगी, साथ ही घर में पैसा टिकने लगेगा।